टीवी इंडस्ट्री में आज कई ऐसे कपल्स मौजूद हैं जिन्होंने एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद शादी कर ली, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने सगाई तो की लेकिन शादी नहीं कर पाए। इनमें से कुछ अलग हो गए तो किसी ने अपनी शादी लास्ट मोमेंट पर ही तोड़ दी। तो आइए जानते हैं उन्हीं स्टार्स के बारे में। गौहर खान और साजिद खान। ये उस समय की बात है जब गौहर खान मॉडलिंग किया करती थी। साजिद भी उस टाइम बड़े डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन वो पॉपुलर टीवी शो होस्ट करते थे। इन दोनों ने सगाई की, लेकिन साल 2003 में ये शादी करने वाले थे, मगर बाद में इन दोनों ने किसी वजह से अपनी शादी कैंसिल कर दी। शिल्पा शिंदे और रोमित राज। ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और सगाई के बाद साल 2009 में शादी भी करने वाले थे। शादी की जगह भी फिक्स कर ली गई थी, लेकिन आखिर में शिल्पा ने शादी करने से इनकार कर दिया। शिल्पा के मुताबिक वो अपनी शादी में सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन रोमित को कभी भी कुछ काफी नहीं लगा। बरखा बिष्ट और करण सिंह ग्रोवर। करण अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा अपनी शादियों के लिए ही मशहूर हैं। बरखा से ही उनके ब्रेकअप की लिस्ट शुरू हुई थी। साल 2004 में एमटीवी के शो कितनी मस्त जिंदगी में इन दोनों ने साथ में काम किया था और वहीं से इनके रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद इन दोनों ने सगाई की, लेकिन साल 2006 में दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और कभी भी शादी नहीं कर पाए। उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना। रियलिटी शो बिग बॉस के फेमस कपल में एक करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल ने साल 2014 में नच बलिए के सेट पर सगाई की थी। हालांकि ये दोनों शादी करने की जल्दी में नहीं थे, लेकिन दो साल के बाद इन दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया और इसकी खबर सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया को बताई। रतन राजपूत और अभिनव शर्मा। रतन ने टीवी पर पूरा स्वयंवर रचाया था और बहुत से कंटेस्टेंट्स में से एक अभिनव को चुना था। इसके बाद रतन ने अभिनव से सगाई की थी, लेकिन बाद में आपसी मेलजोल और एक दूसरे को ना समझ पाने जैसी परेशानियों के चलते इन दोनों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। राखी सावंत और इलेश पारुजान वाला। राखी ने ही टीवी पर स्वयंवर की शुरुआत की थी और एनआरआई कंटेस्टेंट इलेश पारुजान वाला को शादी के लिए चुना था। इन दोनों ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दुनिया के सामने इन्होंने सगाई जरूर की थी। राखी ने सगाई को तोड़ा था और ये खुलासा किया था कि इलेश ने पैसों के लिए ये रिश्ता बनाया था, क्योंकि उन्हें मुंबई में अपने लिए फ्लैट खरीदना था।